उत्तर प्रदेश। असली स्ट्रगल शुरू होता है यहाँ से। आर यू एक्साइटेड टू मीट योर नानी नाना? यस। जो नाना के पैर छू। दूध निकाल ले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय बुआ व्लॉग। यहाँ पे मैं हंड लेते हुए क्योंकि मेरा कुछ काम तो है नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय बुआ व्लॉग। और बाद में बोल देती हूँ, आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा में तो शायद हम लोग आ भी गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत घनी आबादी वाला एक गाँव हम चल रहे हैं, बॉर्डर चल रहे हैं। उत्तराखंड हम पार हो गए हैं, पर जहाँ अभी हमें जाना है वो लगभग 5 किलोमीटर दूर है। स्वर्णिम की नानी के घर जा रहे हैं जिसकी उनको बहुत याद आ रही है। स्वर्णिम की नानी आपकी क्या लगती है ये बताओ? पास। अभी हम पहुंच गए दिल्ली फार्म। यहाँ पे प्लॉटिंग हो गई है भैया, किसी को घर वर लेना हो तो ना लेना, फार्म लेना है। फार्म फार्म हाउस भी होता है लोगों का। आने में स्लीपिंग गाइस, उल्टी उल्टी जैसा हो रहा था तो मैंने उसको सुला दिया। असली स्ट्रगल शुरू होता है यहाँ से। मेन रोड से हमें 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर अंदर जाना होता है अपने गांव में। लेकिन यहाँ हरियाली की कोई कमी नहीं है भाई, अलग टाइप की हरियाली है, पहाड़ों वाली नहीं। खेत है ना, बहुत बड़े बड़े खेत हैं यहाँ लोगों के, फार्म्स हैं। मुझे अपनी याद आ गई। आर यू एक्साइटेड टू मीट योर नानी नाना? यस। मजा आएगा नानी के घर में? और राधिका दीदी से भी मिलोगे? ओके। कैसा लगता है आपको नानी के घर में? राधिका दीदी के पास कौन है? किसके पास? राधिका दीदी के पास कौन है? राधिका दीदी के पास रिशु भैया और भी लोग हैं। कौन है? पापा प्रणाम। ओ जाओ जाओ नाना के पैर छू, चलो नाना के पैर छू, नानी नाना के पैर छू। मम्मी प्रणाम। पैर छू नानी के पैर छू, नाना के पैर छू। स्वर्णिम बेटा, थैंक यू बोल रहे हैं वो। थैंक यू, लिपस्टिक भी नहीं डाला। बस नहीं डाला इतने। और लो अल्लू मल्लू। देखो कस्टर्ड एप्पल, पहले मग रख के दिख गया फोन में देख। क्या है वो? शरीफा। देखो 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 मौसमी का जूस पीते हो, देख नानी की मौसमी। आपका मौसमी ये देख, जूस बनाते हैं ना मम्मी। और देखो चिड़िया का घर, ये इसमें रहती है चिड़िया। नेस्ट, इसी को नेस्ट बोलते हैं। यस। एन एन फॉर नेस्ट। वो देखो पपाया, पपायास। यस पपाया भी है। गाय बच्ची तो है नहीं नानी की, अब नानी ने गाय बच्ची के खाने की जगह पे अपने खाने के सामान उगा दिया। वो ये देख लेडी पिंगल, लेडी पिंगल। Yeah.
तो दोस्तों ये मेरी प्यारी फूफू शाखा फूफू मेरे फूफा जी, बड़ी याद आती है यार फूफू की। श्रीमती साकांबरी देवी हमारे लिए तो शाखा थी खुजली करो भाई अपना एक्सरसाइज करते भैया ठीक है। ये जिसमें ईंटें लगी हुई है देख, एक इधर ईंट एक इधर ईंट एक इधर ईंट भैया से पीछे में पकड़ के ऐसे 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 एक्सरसाइज करते हैं। और ये है भैया अब बैंड मंगाए थे इसलिए ये ऐसा हो गया क्या? ठीक से बोल नहीं और ये स्वर्णिम की मामी बगल में रहने वाली ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता मामी, मामी से मिलने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता सामने रहती है तो डरते भी नहीं हो ओके आराम से चलो चलो भैया भी तो गया आप क्या डर रहे हो कोने कोने चलो हाँ ऐसे चलो वो देखो काओ कहाँ जा रखी है वो देखो चलो अब यहाँ पर चलो यहाँ पर नहीं आ पाएगी वो बंदी भी है चलो स्टैंडर्ड नहीं है बेटा पड़ोसी के घर में झांकने की आदत है तुम्हारे जैसे क्या बना रहा है इन्होंने क्या खा रही है वही तो पड़ोसी क्या देखने के लिए कौन कौन नए आए कौन कौन पुराने हैं हटते देख काट रखा घास वो कैसे आएगी खाना खाने खाना खाने नहीं आएगी उसको खाना वहीं पे देते हैं मामी ऐसे भरती है इसमें वो टोकरी में भरती है मामी और यहाँ पर से वहीं देके आती है देखो वो जो आगे बना हुआ खाने के लिए उसमें खाना भर देते हैं तो बाहर आ गई हाँ तो वो खाना खाएगी ना उसको देख तो सही वो देख मामी कैसे उठा रही खाओगी पोटी उठाएगा अरे उठा ले यार स्वर्णी उठा ले खाओ की पोटी इधर देख क्यों क्यों नहीं उठानी खाओ बहुत बढ़िया समझे रिशु भैया वेस्ट नहीं करते वाटर अब मामी वो उसमें मिलाएगी जैसे हम काओ के लिए बाल्टी में रखते हैं ना खाना घर में अब देखो मामी वो उसमें मिला देगी देख वो देख अच्छी मिला रही है हाँ ऐसे मिला रही है अब काओ को दे देगी काओ फिर यम यम करके खाएगी ठीक है आगे समझ में इधर देखो आगे समझ में अभी देख कैसे खाएगी बाल्टी में खाएगी वो उसको पानी भी पीना होगा उधर कुछ डाल दिया जरा सा मुट्ठी में लेके ये सारी मारेगी जाए दूध निकाल लिए पीना आपको दूध पिएगा जा डायरेक्ट पी ले जा वहीं पे पी ले जा टट्टी लग जाएगी वो मारने के लिए आ रही मामी गुस्सा कर रही हूँ तू मन निकालो तू क्यों इतना खुश हो रहा इधर देखिए यहाँ पे काऊ को मानते हैं तुझे बांधू यहाँ पे नहीं ये तो धान तो सारे लेट गए नहीं ये कटे हुए हैं और लेटे हुए भी था यार क्यों ऐसे क्यों लेटे आंधी जो आई थी इतने ठंडे होके पक रहे क्या बात है क्या बात है पैर तो दर्द नहीं हो रहा हाँ ठीक है पैर दर्द नहीं हो रहा मेरा वेरी गुड स्वर्णिम शाबाश ऐसे बांध रखेगा तो बांध देगा ऐसे ऐसे भी बांध देगा ऐसे गिराएगा उल्टा रख दिया आपने उल्टा रख दिया हाँ ऐसे वेरी गुड दिल से
ये मुझे पता है आने वाले समय में ब्लॉगर ओपी बनेगी। हाँ ये बड़ी सुंदर लग रही तू तो राधिका। और यहाँ मेरी बुआ धान काटते हुए और मेरी मम्मी भी धान काटते हुए और पीछे का वो सनसेट ऑसम लग रहा है। और बुआ अपने गांव में आई हुई है और पहली बार धान काटते हुए। सच नहीं बोलना राधिका, सच नहीं बोलते बाबू। और यहाँ पे मैं हंडते हुए क्योंकि मेरा कुछ काम तो है नहीं। ये गन्ना तोड़ रहे हैं दोनों और ये दोनों गन्ना खाते हुए। वो खाओ वर्णी, इधर देखो, बोलो मैं गन्ना खा रहा हूँ। अच्छा हो रहा है गन्ना इनका खाना। कैसा लग रहा है आपको गन्ना खाते हुए? हाँ बोलो, ये ऐसा गन्ना बस हमारे गांव में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। आपको कैसा लग रहा है नानी के घर आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा अब अभी याद नहीं आ रही? नहीं। देखो तो यहाँ का सीन देख सकते हैं आप हमारे खेत का। वो देखो ये हमारा गन्ना, हमारे धान, ये मेरी बुआ धान काटते हुए, बहुत धान काट दी थी, थोड़ी थक गई है। और मेरी मम्मी बहुत काम करती है घर का, अपनी खेत की इतनी टेंशन रहती है कि घर जाने का होश नहीं रहता। और खाते मैगी बना के, हाँ, और वो दोनों भाई चले गए। और यहाँ का सनसेट बहुत अच्छा लग रहा था पर रात होने लग गई थी इसलिए निकल गया। इससे पहले मंदिर गई थी माथा टेकने। ओहो आज ही तो बाल धोए थे राधिका ने। बड़ी सुंदर लग रही, चमकती हुई एकदम। कितने मजा आ रहे हैं स्वर्णिम बेटे। अब हम घर जा रहे हैं और यहाँ पे मेरा खेत है। रोटी जी, रोटी रोटी नहीं है, मम्मी बोले मैं रोटी बनाऊंगी। ये राधिका खाती है रोटी, बुआ इसको रोटी सब्जी भी तो दे दो इसके लिए। ठीक तू खाएगा वो सब्जी, यहाँ पे गिरी हुई है ये रिश्तों के लिए सब्जी। सातवीं क्लास से चल तेरी चाय की शक्ल देखते। अच्छा तो डायरेक्ट दूध में पत्ती लगाता है? पानी दिया उसे। अच्छा तो मेरे जैसी चाय बनाता है, मतलब सब कुछ पहले डाल के फिर लास्ट में बॉईल कर देगा है। लेकिन मेरे लिए एक वो है कंडीशन, मुझे चाय ज्यादा उबली हुई पसंद है। एक फिर से दूध बन गई, कल आऊंगा बोलो, कल आऊंगा बोल, मुझे चलो नानी के घर चलो। अगर आप व्लॉग देखते हो तो मेरी बुआ के व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।